हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एल आई एल एच फोर के आगे का सेगमेंट। ठीक है, तो एल आई एल एच फोर के आगे मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के आगे क्या होगा बच्चों, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं रिएक्शन विद अमाइड। रिएक्शन विद अमाइड, अमाइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ लिया था, एक मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बता दिया था। देन आफ्टर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैंने एनहाइड्रेट के केस में आपको बता दिया था बच्चों। फिर मैंने आपको वहां पर एल्डिहाइड के बारे में बता दिया था, कीटोन के बारे में बता दिया था, एसिड हैलाइड के बारे में बता दिया था, एस्टर के बारे में बता दिया था। नाउ आज हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद अमाइड। ठीक है, इसका हम मैंने प्रॉपर मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो यहां पर RCONH2 की रिएक्शन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और इसका हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाता है, RCH2NH2। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से। अब इसका अगर हमको मैकेनिज्म देखना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, देख लेते हैं बच्चों उसको भी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O N H और यहाँ H। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा। ठीक है बच्चों, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपका H माइनस आएगा, ये H माइनस यहाँ जाएगा और लिथियम आपका कहाँ चला जाएगा, इस तरफ से चला जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे, तो RCOO-Li(NH)H और यहाँ पर H। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा, ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, RC डबल बॉन्ड NH और यहाँ आपका H है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आपका क्या होगा, अगर मैंने इसकी रिएक्शन Li(AlH4) के साथ करवा दिया, किसके साथ बच्चों, Li(AlH4) के साथ। नाउ कौन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर पार्शियल प्लस आएगा। नाउ H माइनस आपका इस पॉइंट पर जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, RCH2, यहां पर NH, यहां पर Li आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, ये माइनस और ये आपका प्लस। नाउ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, RCH2NH2, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, प्राइमरी अमाइन। क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका प्राइमरी अमाइन। तो ध्यान से समझेंगे, अगर देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या किया, Li ने इसको पोलराइज किया, यहाँ पर आपका पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पे H माइनस गया और इस पर आपका Li गया। ठीक है, नाउ यहाँ से क्या होगा कि ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इसके साथ फ्रेगमेंट में अलग आपका हो जाएगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड Li(AlH4) के साथ जैसे ये रिएक्ट करेगा, तो इन दोनों में से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी किसकी है बच्चों, नाइट्रोजन की। जब नाइट्रोजन आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा, तो नाइट्रोजन के केस में यहां पर बॉन्ड आपका खुलेगा। अब यहां पर पार्शियल प्लस, यहां पर पार्शियल माइनस। अब देखो पार्शियल प्लस है तो यहां पर एच आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर एच आ जाएगा तो CH2 हो गया, और यहां पर आपका क्या है बच्चों, NH-Li+ आ जाएगा। देन आफ्टर इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, अमाइन। तो ध्यान रखें, मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, अगर जब भी आपका नाइट्रोजन का केस रहेगा तो आपका अमाइन बनेगा। ठीक है, अमाइन बनेगा, ये आपका है, कौन सा कंपाउंड है बच्चों, आई होप सो कि आप जानते होंगे, ये आपका कौन सा कंपाउंड है, इमाइन, इमीन, सॉरी, ये आपका कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों, आपका इमीन। ठीक है, तो इमीन का भी आपको समझ में आ गया यहीं से। ठीक है, इमीन का भी आपको किस तरीके से करना है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अमाइड, अगर हमको अमाइड का आ गया तो अमाइड से हम वो इमीन में कन्वर्ट होते हैं, इमीन से फादर हम किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चों, प्राइमरी अमाइन में। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम अमाइड का मतलब, अमाइड का जब भी मैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब भी मैं रिडक्शन कराऊंगा तो आपका प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होगा। और कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, यहां पर आपके कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पर आपके 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब 4H। कितना H बच्चों, 4H। देख लेते हैं कैसे होगा 4H, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन, अब यहां पर 2 हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकला, यहां पर आपका
यहां पर जो आपका एक हाइड्रोजन लगा है वो किसका लगा है? हाइड्रोलाइसिस का। इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहां पर तीन हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ और साथ में आपका LiOH भी निकला है ना बच्चों, तो टोटल हाइड्रोजन कितने कंज्यूम हुए? चार हाइड्रोजन। दिखेंगे नहीं बच्चों, यहां पर आपका दिखेगा दो हाइड्रोजन, लेकिन आपके अगर मैकेनिज्म में ध्यान से देखोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने कंज्यूम हुए बच्चों? चार। बेटा यहां पर सिंपल बोल सकते हैं, अगर मुझे एक मोल LiAlH4 काम में आएगा तो दो हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे, अगर मेरा दो मोल LiAlH4 काम में आएगा तो आपका चार हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, रिएक्शन विद ईथर। ठीक है, रिएक्शन विद ईथर। अब देखो जैसा कि मैंने आपको लिखाया था, सिंपल ईथर मतलब चेन ईथर कैन नॉट रिड्यूस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब चेन ईथर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं यहां पर रिएक्शन विद, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रिएक्शन विद ईथर। ठीक है बच्चों, रिएक्शन विद ईथर में देखो, चेन ईथर कैन नॉट शो रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन साइक्लिक ईथर कैन शो रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, H3O+। अब इसमें भी आपके दो कंडीशन है बच्चों, ध्यान से समझना। अब मैंने आपको यहां पर बताया था बच्चों कि आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप का आपका यहां पर मैकेनिज्म होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एक-एक करके। अब देखो साइक्लिक ईथर बोलो, या इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों, इपॉक्सी, क्या बोल सकते हो बच्चों आप इसको, इपॉक्सी या इपॉक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं एक-एक करके एग्जांपल, इसका मैकेनिज्म भी हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। यहां पर मैंने ये ले लिया, ठीक है, हाँ काफी ठीक ठाक है। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो, अब मैं कौन सा बॉन्ड वो ब्रेक करूं, सेम आपका ग्रिगनार्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है यहां पर। अगर मैं ये वाला बॉन्ड यूज करूंगा तो यहां पर भी आपका पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करूंगा, अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा बच्चों, स्टेबलाइज कर देगा। तो H आपका यहां अटैक करेगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझो, H इसका मतलब आपका यहां O-Li। ठीक है, O-Li नाउ आपका H यहां पर आ जाएगा तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसका, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका OH, यहां पर आपका CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इन द केस ऑफ साइक्लिक ईथर H- will attack on less substituted carbon atom, मतलब जो आपका less substituted carbon atom होगा वहां पर अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, जहां पर आपका less substituted carbon atom होगा वहां पर आपका H- अटैक करेगा। लेकिन अभी इसमें खत्म नहीं हुआ है, अब ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल पॉइंट है। अब इसका मैकेनिज्म आप लोग मुझे लिख के बताओगे बच्चों, देखते हैं इसका। देखो अगर मैंने ऐसा कंडीशन लिया, सेम कंडीशन लिया, ठीक है, अगर मैंने सेम कंडीशन में अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में मैंने क्या मिला दिया, AlCl3 और H3O+, तो क्या होगा, इस कंडीशन में आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। इन दिस कंडीशन यहां पर लिख देते,
इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, H- will attack on highly substituted कार्बन एटम। मतलब कहां अटैक करेगा? हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे अटैक करेगा। मतलब आपका H माइनस अब कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका ओपन होगा। थोड़ा इस कंडीशन को ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। घुमा के अगर यहां से आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो यहीं से आपको घुमाएगा पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को समझना, जब ये यहां अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों? ये आपका इस तरीके से, ये आपका यहां पर OAli बन जाएगा माइनस प्लस, यहां पर H आ गया। नाउ इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर आपका OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको एक एक करके आप लोग लिखते जाइए बच्चों, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर मैं एक साथ इन पे न्यूमेरिकल लूंगा जिसमें मैं सारे कंडीशन को मिला दूंगा बच्चों, तब आपको वहां पर और भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। अब हम रिएक्शन विद, ठीक है, आपको AlCl3 के साथ इसका मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है बच्चों। ये आप लोग मुझे लिख के बताना, ठीक है। अब अगला रिएक्शन विद एल्कीन एंड अल्काइन। देखो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, एल्काइन के लिए आप लोगों को लिखना है, एल्कीन के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, देखो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर मैं CH3 ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक है, यहां पर ये ऐसा हो गया। अब देखो इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है? अब देखो मैंने आपको बताया था, इन द केस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन वी हैव टू यूज व्हाट? AlCl3, ठीक है। अगर AlCl3 का हम यूज नहीं करेंगे तो इसका रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज व्हाट बच्चों? AlCl3। अब देखो AlCl3 हैज व्हाट? वैकेंट ऑर्बिटल। AlCl3 आपका क्या कैरी करता है बच्चों? वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। जब AlCl3 अगर आपका वैकेंट ऑर्बिटल कैरी करेगा तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? समझने वाली बात है, यहां पर आपका क्या होगा ध्यान से। अब देखो यहां पर आपका AlCl3 वैकेंट ऑर्बिटल कैरी करेगा तो ये आपका किसके साथ? ये आपका यहां आके जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? CH3CH, यहां पर ये वाला, यहां पर CH2, यहां पर AlCl3 माइनस, ठीक है। अब यहां पर भी ये वाला बॉन्ड भी आपका फॉर्म होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? पार्शियल, इसके ऊपर आपका आ जाएगा पार्शियल माइनस और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल प्लस, ठीक है। इस तरीके से अटैक करेगा, इस तरीके से आपका अटैक करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से जब आपका अटैक करेगा तो जैसे ही आपका ये वाला बॉन्ड अगर आपका खुलेगा तो आपका क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे, ध्यान से एक दो बार ध्यान से समझना। AlCl4 का H माइनस कहाँ अटैक करेगा बच्चों? यहां अटैक करेगा। तो यहां पर आपका देखो CH, ये वाला बॉन्ड आपका बन रहा होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड अगर आपका क्या हो रहा होगा बच्चों? बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका बन ही रहा है बच्चों, ठीक है। और यहां पर ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा होगा बच्चों? ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। नाउ इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। अब आप लोग जानते हो ट्रांजिशन स्टेट में हम किसको बताते हैं बच्चों? बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग को, ठीक है। अब यहां पर माइनस और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अब हम समझते हैं यहां पर अगले स्टेप में क्या होगा। यहां पर हमारा CH3 CH2 CH2, ठीक है, AlCl3, यहाँ इसके पास माइनस साइन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला आपका यहाँ खुल जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये वाला आपका यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव था, ठीक है, तो यहाँ पर खुलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? CH3 CH2 CH, ठीक है,
टू। अब ये वाला अगर आपका यहाँ यहाँ पर पार्शियल माइनस है, सॉरी ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ खुलेगा, उल्टा खुलेगा, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ खुलेगा, क्योंकि दोनों में से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन है, तो ये इसके ऊपर माइनस आएगा और H3O प्लस के साथ जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया बच्चों आपका, एल्केन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। एक बार देखते हैं, देखो इसने पहले अटैक किया, ठीक है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर आपका क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अब देखो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड अगर आपका ब्रेक होगा तो एच माइनस आपका यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या बच्चों, पार्शियल प्लस चार्ज है, ठीक है। अब पार्शियल प्लस चार्ज पर अटैक कर गया, नाउ नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसके ऊपर पार्शियल माइनस, इसके ऊपर भी माइनस। अब ये वाला बॉन्ड अगर ऊपर खुलेगा तो इसके ऊपर ए, यहाँ पर प्लस है, बॉन्ड ऊपर खुलेगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा, और प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, न्यूट्रलाइज होके AlCl3 आपका बाहर निकाल देंगे, ठीक है। देन आफ्टर इसके ऊपर माइनस आएगा तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, एल्केन। तो सेम सिमिलर, ठीक है, सिमिलर रिएक्शन विल बी प्रोसीड फॉर अल्काइन। अल्काइन के लिए भी आपका सिमिलर रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो अल्काइन के केस में हम क्या बोलेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैंने AlIAlH4 लिया और यहाँ पर AlCl3 मैंने लिया, ठीक है, तो और यहाँ पर मैंने AlCl3 लिया और साथ में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो यहाँ पर CH3 CH3। अब देखो कितने हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पर चार चार हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे, मुझको इसको 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया हमारे एल्कीन के केस में, एल्कीन और अल्काइन के केस में। नाउ अगला रिएक्शन के ऊपर हम चलते हैं, अगले रिएक्शन मैकेनिज्म पे। पहले रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम है ना इसके न्यूमेरिकल को, इसके मतलब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। पहले एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं, अगला देखते हैं बच्चों, रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, सॉरी यहां पर बीटा अराइल लिखना भूल गया था, बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, यहां तक समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा बच्चों, देखो इसके केस में ध्यान से, यहां पर मैंने फिनाइल ग्रुप ले लिया, सिंपल में लिखता हूँ, ठीक है, फिनाइल ग्रुप ले लिया। अब देखो फिनाइल ग्रुप ले लिया मैंने, यहां पर CH, यहां पर CO H, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको ग्रिगनार्ड में बताया था, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर PHCH, ठीक है, CH के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव नहीं, पूरी तरीके से पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर CO-, ठीक है, और यहाँ पर H। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, AlIAlH4 अटैक करेगा, H4 यहाँ से क्या निकलेगा, H-, जो कि आपका कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, और Li आपका यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, PHCH CH डबल बॉन्ड COH H। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज व्हाट, इनोल फॉर्म, ये आपका कौन सा फॉर्म है बच्चों, इनोल फॉर्म है। अगर मैं इसका टोटोमेरिज्म कराऊंगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, PHCH2CH2CO H, ये आपका क्या आ गया बच्चों, एल्डिहाइड वापस से आ गया, ठीक है। फर्दर हम इसका एल्डिहाइड का मैंने AlIAlH4 और H3O+ के साथ आपका बताया था, एल्डिहाइड के साथ कैसे होता है, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2CH2OH, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो कितने मोल हमारे काम में आए, यहां पर हमारे 2 मोल काम में आए, ध्यान रखना, यहां पर हमारे कितने मोल काम में आए बच्चों, 2 मोल काम में आए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हैं, ठीक है।
इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हो चुका है आपका, एस्टर के बारे में हो चुका है। अब देख लेते हैं एक दो कंडीशन और कि जहां पर, अब मैं आपको सिंपल एक ना वो ट्रिक बताता हूं कि अगर आपका इफ, इसी में आगे बता देता हूं बच्चों में, इफ इफ नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड कंपाउंड प्रेजेंट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, देन देन इट कन्वर्ट इंटू इट कन्वर्ट इट कन्वर्ट इंटू अमाइड, ठीक है। अब मैं आपको अमाइन, इट कन्वर्ट इंटू अमाइन, अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं इसका कि नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो अगर आर एन ओ टू होगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आर एन एच टू में, ऑक्सीजन को हटा देंगे सिंपल, ठीक है। अगर मेरे पास एक और कंपाउंड, देखो ये एन, यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच, ये क्या है हमारा ऑक्सीम है, ऑक्सीम है, तो यहां से ये वाला बॉन्ड, यहां से ये वाला बॉन्ड, तो सिंपल क्या लग जाएगा बच्चों, यहां पर सिंपल देखो दो बॉन्ड हटेंगे तो आर सी एच टू, एक बॉन्ड हटेगा तो एक हाइड्रोजन लगेगा इस तरफ भी और इस तरफ भी, एक बॉन्ड हटेगा तो इस तरफ भी एक हाइड्रोजन और इस तरफ भी एक हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा। तो ध्यान से समझ लेना बच्चों कि अगर एक पाई बॉन्ड, यहां पर एक पाई बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको यहां पर मैं सिंपल वो ट्रिक बता देता हूं, एक हाइड्रोजन इस तरफ एक हाइड्रोजन इस तरफ, तो यहां पर एन एच और ये वाला टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इस तरफ एक हाइड्रोजन इस तरफ, तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आगे होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अजाइड के केस में, किसके केस में बच्चों, अजाइड के केस में, आर एन थ्री के केस में, अब देखो आर एन थ्री के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल ये आर एन एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से समझना। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो वो 100% किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 100% आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और अगर मैकेनिज्म मैकेनिज्म में जाओगे तो इसका मैकेनिज्म में आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इसका मैकेनिज्म आपको कंप्लीटली बताऊंगा, ठीक है। अब देखो आर सी एन, आर सी एन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आर सी एच टू, देखो एक एक पाई बॉन्ड हटेगा तो एक हाइड्रोजन दूसरा पाई बॉन्ड हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन, तो यहां पर टोटल कितना आ जाएगा, आर एन एच टू, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैं आगे आपके रिएक्शन मैकेनिज्म इसका मैं आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बताने वाला हूं, ठीक है। फिर भी आप अभी से इसको ध्यान रखो, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको हो गया होगा, देन आगे हम चलते हैं यहां पर आगे एक दो, अब हम थोड़ा रिएक्टिविटी को देख लेते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी का एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको वहां से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड LiAlH4, ठीक है। तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड LiAlH4, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल समझेंगे, RCOCl, ठीक है, RCOH, ठीक है, RCOCH3, ठीक है, RCOOCH3, RCOOH, ठीक है, ये मैंने लिया, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कंपाउंड, ये मेरा सेकंड कंपाउंड, ये मेरा थर्ड कंपाउंड, और ये मेरा फोर्थ कंपाउंड, और ये मेरा फिफ्थ कंपाउंड, इसको मैं अरेंज करना सीख लेता हूं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर कि यहां पर आपका H माइनस अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, जब आपका H माइनस अटैक करता है तो इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम, इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो इस पर पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, अब देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, ठीक है,
इसका इंडक्टिव क्या होगा बच्चों? आर वाला तो हर जगह सिमिलर है तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। इंडक्टिव हाइड्रोजन का जीरो, ठीक है। इसका इंडक्टिव ये कौन सा? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ये कौन सा? ये आपका प्लस एम, और ये भी आपका क्या होगा? प्लस एम। अब हम समझते हैं कि देखो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? मैंने आपको एनहाइड्राइट की कंडीशन में भी बताया था, ठीक है। मैंने आपको किसके कंडीशन में बताया था बच्चों? एनहाइड्राइट की कंडीशन में भी बताया था कि रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टुवार्ड LiAlH4, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो उसी की तरह चलेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतना, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम का जब सबसे ज्यादा, उसके बाद माइनस एच, उसके बाद माइनस आई, उसके बाद प्लस आई, उसके बाद प्लस एच, उसके बाद प्लस एम, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम समझते हैं कि इसमें देखो, इसमें आपका माइनस आई है, माइनस आई होगा होगा तो यहाँ पर फर्स्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव जीरो है तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर। अगर मैं बात करूं यहां पर प्लस आई है मतलब इस ये आपकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों? थर्ड, ठीक है। अब दोनों में हमको मेसोमेरिक इफेक्ट का कंपैरिजन जानना है, और जैसा कि मैंने आपको जीओसी में बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे बच्चों? OCH3 का मेसोमेरिक इफेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू OH, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर आपका हो जाएगा फोर्थ, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फिफ्थ, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़े से आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बताया तरीका, उस तरीके को ध्यान रखना है, ठीक है।